आपके शरीर के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो आप जहाँ पर पैदा हुए उस घर में क्यों पैदा हुए, उस रेस में क्यों पैदा हुए, उस सेक्स में क्यों पैदा हुए, उस कंट्री में क्यों पैदा हुए। तो फ्रेंड्स, ये आप सब डिसाइड करके आते हैं और आप उन पेरेंट्स के घर जन्म लेते हैं जो आपको वैसी कंडीशंस देंगे। अर्थ का सर्वाइवल अब हो ही नहीं सकता इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से, तो इस पोर्शन को, इस रीजन को, तो यहाँ पर तो कोई बाढ़ ही आ जानी चाहिए, यहाँ पर तो कोई वोल्केनो ही फूट जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नए एपिसोड में थिंकिंग एंड डेस्टिनी के। फ्रेंड्स, थिंकिंग एंड डेस्टिनी एक महान किताब है और इसके महान लेखक को हम नतमस्तक हैं। इतना जीवन का समय उन्होंने इस किताब को लिखने में लगाया, किस लिए फ्रेंड्स? क्योंकि हम सभी का अल्टीमेट उद्देश्य है लाइफ में सर्विस, जो आपने सीखा है जो उसको बांटिए, यही है हम सभी के जीवन का ध्येय। तो आइए आज के इस थिंकिंग एंड डेस्टिनी एपिसोड में हम जानते हैं कि फिजिकल डेस्टिनी क्या होती है। फ्रेंड्स, डेस्टिनी कई तरह की है, आपकी फिजिकल डेस्टिनी है, साइकिक डेस्टिनी है, इस तरह से कई आयाम हैं आपकी डेस्टिनी के। आइए आज फिजिकल डेस्टिनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिकल डेस्टिनी होती क्या है। फ्रेंड्स, फिजिकल डेस्टिनी है जो आपके शरीर को इम्पैक्ट करे, आपके खून को, रक्त को इम्पैक्ट करे, आपकी नर्व्स को इम्पैक्ट करके करे, आपके शरीर के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करे, आपके जो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसको इम्पैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फिजिकल डेस्टिनी। तो फिजिकल डेस्टिनी में कई चीज़ें आ जाएंगी कि आपके शरीर के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो आप जहाँ पर पैदा हुए उस घर में क्यों पैदा हुए, उस रेस में क्यों पैदा हुए, उस सेक्स में क्यों पैदा हुए, उस कंट्री में क्यों पैदा हुए, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल डेस्टिनी होती हैं फ्रेंड्स। तो फिजिकल डेस्टिनी में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आप, जैसे हमको लगता है कि हमने एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म लिया, आपने उसी परिवार में जन्म क्यों लिया है महत्वपूर्ण सवाल है डियर फ्रेंड्स, कि क्यों हमने इसी परिवार को चुना, इसी में हमने क्यों जन्म लिया, क्या कारण था। फ्रेंड्स, जो हमारी जन्म से पूर्व बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चलती है और आप ये आपस में बातचीत कर आते हैं, ये समझ कर आते हैं कि मुझे इन पेरेंट्स से क्या वो सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, क्या वो कंडीशंस मिलेंगी जो मुझे चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। मैं भी तो एक अपनी डेस्टिनी लेकर आ रहा हूँ इस वूम्ब में, या आ रही हूँ इस वूम में, तो क्या मुझे वो सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप सब डिसाइड करके आते हैं और आप उन पेरेंट्स के घर जन्म लेते हैं जो आपको वैसी कंडीशंस देंगे। तो मान लीजिए आपकी ग्रोथ के लिए आपको गरीबी में जन्म लेना है, तो आप ऐसे ही पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस चाहिए, मान लीजिए आप ऐसे ही परिवार में जन्म लेंगे, बहुत सोच समझ कर आप इस धरती पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिजिकल डेस्टिनी है। फिजिकल डेस्टिनी में आप के सबसे पहले आपके शरीर को देखते हैं कि आपका शरीर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आया और आपकी एक शरीर का एक हर एक जो लाइन है ना फ्रेंड्स, आपके फेस की हर एक लाइन एक स्टोरी बताती है। ये वो टेंडेंसीज़ हैं जो हम कई जन्मों से लेकर आ रहे हैं। तो हम अपनी फिजिकल डेस्टिनी में सिर्फ हमारे इस शरीर का नहीं, आपके एक एक लाइन, एक एक जो आपको रोग हो रहा है शरीर में, वो आपने अपनी थॉट से बनाया और अब उसको आप लेकर आ रहे हैं, ये आपकी फिजिकल डेस्टिनी है डियर फ्रेंड्स। आइए एक एक इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत बहुत बीमार रहता है, तो क्या ये सिर्फ अच्छे या बुरे खाने पीने की वजह से है? नहीं फ्रेंड्स, ये सब उसकी डेस्टिनी का पार्ट है।
उसने अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में उसका थॉट प्रोसेस ये रहा था और आज उसके थॉट्स ने ये डेस्टिनी प्रोड्यूस करी है। तो आपको अगर सोचें कि खाने पीने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो हाँ कुछ हद तक पड़ता है, क्योंकि आपको हम सुनते हैं, हम ये जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आपके थॉट्स का इम्पैक्ट और ज़्यादा सूक्ष्म है, और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो जैसा आपने थॉट्स रखी, जैसे आपने कार्य किए, उसी के हिसाब से आपकी अभी की डेस्टिनी बन रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ब्लाइंड है, या कोई व्यक्ति है जो जिसको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, किसी कोई अपना हाथ नहीं यूज़ कर सकता, इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति ब्लाइंड आता है, कोई व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, कोई अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या कारण है फ्रेंड्स? कारण ढूंढने के लिए हमको हैरल्ड पर्सिवल सर बोलते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में एक मिसयूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर से आती हैं। जो आपकी सेक्सुअल पावर है उसका आपने, जब आप उसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप सेक्सुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप उस पावर को यूज़ करते हैं, तो आपकी सेंसेस जो हैं वो काम करना क्षीण हो जाता है। और उससे क्या होता है कि आप अगले जन्म में भी वो आपकी टेंडेंसी कैरी होती है। तो आपकी आंखें मान लीजिए बहुत कमज़ोर हैं, या आपकी कोई भी आपकी फैकल्टी है जिसका इतना आप अच्छा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है। ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी सेक्सुअल पावर को बहुत एक्सेसिवली यूज़ किया हो। अब किसी के हाथ नहीं है मान लीजिए, तो ऐसा क्यों हुआ? आपने कभी देखा होगा कुछ बच्चे वो पैदा ही इस तरह से होते हैं कि उनके हाथ या पैर नहीं होते हैं। तो क्यों किसी के हाथ पैर नहीं होते? हाथ का क्या काम है आपकी बॉडी में? हाथ आपकी बॉडी में काम करें एग्जीक्यूटिव रोल, कुछ करने का, कुछ भी करने का जरिया आपके हाथ हैं। आपके हाथ और आपके पैर से इनसे आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो किसी के हाथ कटे हों तो उसके हाथ नहीं हों तो क्यों नहीं है, क्यों उसके हाथ में प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूसली? इसका कारण भी आपके शायद आपकी पास्ट लाइफ्स में, आपके पास्ट थॉट्स में है। और क्या थॉट हो सकती है आपकी? हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी को नुकसान पहुँचाया, आपने किसी के हाथों को काटा, आपकी वजह से कोई अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इस जन्म में आपने ही ये डिसाइड किया कि मुझे ये लेसन लर्न करना है, आपकी वो थॉट्स, तो उस थॉट से आप इस जन्म में ऐसे सर्कमस्टांसेस में आए हैं जिसमें आपके हाथ नहीं हैं। फ्रेंड्स, कोई भी थॉट है, आप जानते हैं लॉ ऑफ थॉट क्या है? लॉ ऑफ थॉट है कि आपको अपनी थॉट को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो लोग जानते ही नहीं है कि लॉ ऑफ थॉट है क्या, है ना? आज से पहले, पीएमसी हिंदी से पहले, जनरली लॉ ऑफ थॉट की किसी ने बात नहीं करी थी। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ थॉट। पूरा अर्थ में जो कुछ हो रहा है लॉ ऑफ थॉट से ही तो हो रहा है। हमने सब कुछ तो क्रिएट किया है, हमने अपनी थॉट से ही तो सब कुछ क्रिएट किया है। थॉट के बारे में हम जानते ही नहीं थे। तो लॉ ऑफ थॉट के अंतर्गत आपको ये समझना है कि थॉट है क्या। थॉट समझ आ गए आपको, उसके बाद आपको उस थॉट को बैलेंस भी करना है, और उसके बाद आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये तीन लेवल्स हैं फ्रेंड्स, ये समझना कि थॉट क्या है, उसके बाद आपको ये आप उसको बैलेंस करते हैं, और आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग आती है। ये तीन तल हैं इसके, डियर फ्रेंड्स। तो आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आई, क्या आपने उसे कुछ सीखा? आपने कई बार ये सुना होगा, पत्री सर बोलते हैं नो जजमेंट। वो क्यों बोलते हैं कि एक्सेप्ट करो? क्योंकि फ्रेंड्स, आप अपने पास्ट के जो कर्म करके आए हैं, अपने जो आप पास्ट के थॉट्स लेकर आए हैं, उसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिस परिवार में आपका जन्म है, जो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो आप अपनी उन्हीं थॉट के पैटर्न पर चलते जाएंगे। और करना क्या है आपको? आपको करना ही है कि आपको उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है। और आपको ये एक्सेप्टेंस जब आप करते हैं, अपनी ड्यूटी को समझ जाते हैं कि हाँ, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे अपनी ड्यूटी को करना ही करना है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी भलाई के लिए ही कुछ है, ये मैं ही यहाँ पर अपनी वजह से ही हूँ यहाँ पर। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एक गॉड को ब्लेम करते हैं,
हम अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक मिरर है, जो हमने किया है वो हमारे ऊपर ही अल्टीमेटली आएगा और आता है फ्रेंड्स। तो उसको एक्सेप्ट जब आप करते हैं, आपका बहुत सारा जो पास्ट का बैगेज आपने कैरी किया हुआ है वो बहुत सारा बैगेज आप ड्रॉप कर देते हैं उसी क्षण में जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मैंने ही कुछ किया है। और फ्रेंड्स, क्या आपको आपके सब पास्ट के कर्मों के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्यों मेरे को ये हो गया, क्यों मैं चल नहीं पाता ठीक से, क्यों मैं बोल नहीं पाता ठीक से? नहीं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्टेंस का भाव रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने अर्न किया है, मेरी थॉट्स का ही प्रोडक्ट है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप एक्सेप्टेंस पर आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ जाता है। एक ना जैसे कई परतें चढ़ी हुई हैं वो एक एक परत करके हटती जाती है। जब आप नॉन जजमेंट करते हैं, जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही कुछ किया है, किसको ब्लेम करें, कहाँ जाएं, किसको ब्लेम करें, जो कुछ किया वो मैंने ही तो प्रोड्यूस किया, मेरी थॉट्स ने ही तो प्रोड्यूस किया। लेकिन फ्रेंड्स, जो इंसान है ना उसकी नियत बहुत जल्दी नहीं परिवर्तित हो जाती, तो इंसान क्या समझ जाता है कि हाँ ये कुछ मैंने ही किया है, लेकिन उससे भी लर्निंग नहीं करता। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पर आना है। अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो मैं मुझ में है वही इस संसार में, वही इस सृष्टि में है, मैं और तुम अलग नहीं है। तुमको मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। ये अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग आपको जब तक नहीं आएगी फ्रेंड्स, तब तक ये पहिया चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या है कि आपकी जो थॉट्स हैं उनका ये भी प्रभाव है कि आप, जैसे आपने किसी के बारे में बुरी थॉट रखी, किसी के बारे में आपने अच्छी थॉट रखी, ये सब आपकी हैबिट्स ऑफ थॉट हैं ही हैं। इसके बारे में आपने इसी जन्म में नहीं आ गई है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपको ड्रिंक का बहुत शौक़ है, इसी जन्म में नहीं पैदा हो गया ये, कई लाइफ टाइम से आप ये करते आए हैं, आज सिर्फ आपको उसका विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो आप अपने आप को ब्लेम ना करके, ध्यान में आकर और आप नॉन जजमेंट करके और अपने आप को साक्षी भाव से देखना बहुत बड़ा सोल्यूशन है बहुत सारी बातों का। अपने आप को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देना, ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, क्या कारण है कि मुझे ये थॉट आ रहा है, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, कौन सा डर है, कौन सी इनसिक्योरिटी है। और डीपर जाएंगे तो कई परतें खुलती जाएंगी आपकी फिजिकल डेस्टिनी, आपको ये मालूम चलता जाएगा कि ये मेरे ही द्वारा क्रिएट की गई है। अब फ्रेंड्स, आप किसी सेक्स में आपने मेल या फीमेल का जन्म लिया है वो भी किसी कारण से, क्योंकि आपको कुछ लेसन सीखने हैं। हम यहाँ पर लेसन सीखने ही है तो आए हैं फ्रेंड्स। अल्टीमेट एम क्या है हर ह्यूमन बींग का, हम सब ध्यानी लोग हैं यहाँ पर जो हम मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम आपका यही है कि आप अपने और ज़्यादा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश और ज़्यादा अपनी ओर लेकर आएँ, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन डायरेक्ट नहीं था। क्यों, ये क्यों नहीं है हमारा कनेक्शन? क्योंकि हम पहले परफेक्ट ह्यूमन बींग्स थे। परफेक्ट ह्यूमन बींग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बहुत सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो अर्धनारेश्वर बोल सकते हैं। अर्धनारेश्वर क्या हुआ? जिसकी फीलिंग और डिज़ायर बराबर मात्रा में है, बैलेंस्ड है फीलिंग और डिज़ायर, फीलिंग एंड डिज़ायर। डिज़ायर जो है वो मैस्कुलिन कॉम्पोनेंट है, पुरुष तत्व है, और फीलिंग जो है वो फेमिनिन कॉम्पोनेंट है, स्त्री तत्व है। तो जिसने अपने स्त्री तत्व और अपने पुरुष तत्व को बैलेंस कर लिया वो एक परफेक्ट ह्यूमन बींग है। अब ये परफेक्ट ह्यूमन बींग में इनको इन ह्यूमन बींग्स को अपना ये टेस्ट देना होता है, ये ट्रायल देना होता है कि अच्छा देखते हैं कि क्या तुम्हारा फीलिंग और डिज़ायर बैलेंस्ड है। तो फ्रेंड्स, जो सब भी ह्यूमन बींग्स इस समय अर्थ पर हैं, ये अपना फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर पाए थे। ज़्यादातर लोगों का या तो फीलिंग पार्ट डोमिनेट करता था या उनका डिज़ायर पार्ट डोमिनेट करता था। तो वो फीलिंग और डिज़ायर को डोमिनेट नहीं कर को बैलेंस नहीं कर पाए, तो उनको परिणाम स्वरूप उनको ये सीखना पड़ेगा कि हमारा स्त्री तत्व भी उतना ही ज़रूरी है जितना पुरुष तत्व ज़रूरी है। तो ये सीखना पड़ेगा, ये सीखने के लिए आना पड़ेगा। तो हम सब पृथ्वी पर किसी कारण से हैं, इसी कारण से हैं कि हमको अपने लेसन्स लर्न करने हैं। और क्यों करें हम ये लेसन्स लर्न? अल्टीमेटली हमको अपने ट्रायून सेल्फ के साथ मिल जाना है। ट्रायून सेल्फ को आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर किया था कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है,
आप ये हम थ्री पार्ट्स हैं, एक पार्ट है डूअर, करने वाला, करता, एक पार्ट है आपका थिंकर, सोचने वाला, विचार करने वाला, एक पार्ट है आपका नोअर जो सब कुछ जानता है। ये तीन पार्ट्स हैं आपके डियर फ्रेंड्स। और आप अभी आप ये भी नहीं जानते कि आप एक्चुअली डूअर हैं, चलिए फिर भी इसकी तो हमको थोड़ी बहुत समझ आएगी, हम एक करता हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने थिंकर और अपने नोअर के साथ भी सामंजस्य में आना होता है, उनके साथ भी अपना बैलेंस बिठाना होता है, और लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में कॉन्शियस होना होता है। कि ऐसे मान लीजिए कि आपके अंदर एक बीम गिर रही है लाइट की और आप जानते नहीं हैं उसके बारे में, वो आप तक अभी आएगी भी नहीं क्योंकि अभी आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया। जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करते जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बैलेंस करते जाते हैं, तो आपको और लाइट ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेस होती है। देखिए, एक जैसे आपकी एक आपकी डेस्टिनी है, वैसे ही आपकी एक ग्रुप की भी डेस्टिनी होती है, पूरे देश की डेस्टिनी होती है, पूरी प्लैनेट अर्थ की डेस्टिनी है। तो प्लैनेट अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो इन बातों को समझें, या जो जो ज़्यादा अच्छे काम करें या ज़्यादा अच्छे विचार रखें, ऐसे लोग नहीं हैं, ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश करी है, उन्होंने लाइट, उन्होंने अच्छे काम से, अच्छे विचारों से, एक सेल्फलेस भाव से, सैक्रिफाइस की फीलिंग से, उन्होंने इस बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करी। अर्थ के डिस्ट्रक्शन को फ्रेंड्स बहुत बार रोका है ऐसे लोगों ने, अपने सेल्फलेस सर्विस से, अपने उच्च भावों से, उज्ज्वल भावों से उन्होंने अर्थ का जो कर्मा था, अर्थ का जो डेस्टिनी, अर्थ की भी तो डेस्टिनी क्रिएट हो रही है ना डियर फ्रेंड्स, तो अर्थ की डेस्टिनी को कई पॉइंट्स पे उन्होंने आगे आगे उसके डिस्ट्रक्शन को रोका, कई कई समय पर रोका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं ऐसे जिनकी कि बहुत नेगेटिव थॉट्स रहती हैं, बहुत ही वायलेंस के प्रति और तेरा मेरा के प्रति रहती हैं, तो कभी कभी ऐसा ऐसे भी समय आते हैं कि मास्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि अब ये तो अर्थ का सर्वाइवल अब हो ही नहीं सकता इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से, तो इस पोर्शन को, इस रीजन को, तो यहाँ पर तो कोई बाढ़ ही आ जानी चाहिए, यहाँ पर तो कोई वॉल्केनो ही फूट जाना चाहिए, और टोटल लॉस ऑफ लाइफ आपने कई बार देखा होगा, कई बार हुआ। वो क्यों हुआ है? वो बैलेंस अच्छे विचारों में, अच्छे कर्मों में, स्त्री तत्व में और पुरुष तत्व में जब बिल्कुल खो जाता है, जब बहुत ही एक थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे चला जाता है, तो उस एरिया में डिस्ट्रक्शन कॉज होती है, परसिवल सर हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी ग्रुप की डेस्टिनी, आपकी खुद की डेस्टिनी। आपने आपको आपकी खुद की डेस्टिनी में ये भी आता है कि आप एक संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, या आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं कि उससे आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बनता है, और उस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से आप दुनिया में कई काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी डेस्टिनी, आपकी ग्रुप की डेस्टिनी, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, क्यों आपका भारतवर्ष में ही जन्म हुआ, क्यों किसी और देश में जन्म नहीं हुआ, ऐसे तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता ना। हर चीज़ यूनिवर्स की जैसी होनी चाहिए वैसे ही है। तो आपका जो जन्म है, आपके जो देश, जिस देश में आपने जन्म लिया है, उस देश में भी कारण है। भारतवर्ष में आपको शायद स्पिरिचुअलिटी को एक्सपोजर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को एक्सपोजर चाहिए था, तो आप उस परिवार में, उस रीजन में जन्म लेते हैं, सो ताकि आप सबको संतों का सानिध्य आराम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये सब हमारी डेस्टिनी के कई 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 आयाम हैं। आपकी शरीर में जो आपको बीमारियां हैं, वो आपके थॉट्स ही तो हैं, पुराने थॉट्स ही तो हैं, कहीं से कुछ नया तो आया नहीं डियर फ्रेंड्स। आपके पुराने थॉट्स हैं, वो वहाँ पर जिस पोर्शन में जमा है, वो वहाँ पर जमा होते जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके थॉट्स हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होते जाएंगे, और इकट्ठे होते जाएंगे, और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। सॉलिडिफाई हो गए, सॉलिड बन गए, तो वो अपने आप को एक बहुत सॉलिड डेस्टिनी की तरह लेकर आएंगे, और आपके पास तब कोई, आपको तब समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, आपके जीवन में ये सब क्यों घटित हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप वही गलती करेंगे कि आप किसी और पर ब्लेम डालना शुरू कर देंगे, कोई आउटसाइड अथॉरिटी पर। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो पैसे के बारे में परसिवल सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं फ्रेंड्स, कि पैसे को हमने एक भगवान का दर्जा दे दिया है, मनी गॉड, और वो गॉड बन जाता है क्योंकि आप उसको वैसे सोच रहे हैं, वो वैसा बनना शुरू हो जाता है। अब मनी गॉड जो है, मनी देखिए सभी को चाहिए, कुछ
मनी दुनिया में जीवित रहने के लिए आजीविका चाहिए सबको, सब अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मनी गॉड हर किसी पर नहीं मुस्कुराता। मनी गॉड की आपने जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा 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 करते हैं, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, वो आज के जन्म की बात नहीं है, तो बहुत जन्मों से वो इस देवता की वर्शिप की पूजा करते आए हैं, कि पूजा अर्चना करते आए हैं, और ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन है, कुछ नया नहीं हुआ रहा है हमारे साथ। जहाँ आपने मान लीजिए पिछले जन्म में आपने 19 पेज तक बुक पढ़ी थी, इस जन्म में आप 20वें पेज पर ही स्टार्ट करेंगे। तो आपने इतने वर्ष इतने लाइफ टाइम्स तक आपने मनी गॉड को वर्शिप किया, अब वो मनी गॉड आपके दोबारा से आपके सामने आएंगे। लेकिन मनी गॉड जो है ना फ्रेंड्स, वो एक बहुत जेलस गॉड है। वो जेलस गॉड है, वो आप पर तब तक मुस्कुराएगा, तब तक आपका साथ देगा जब तक कि आप उसकी वर्शिप नहीं करेंगे, पूरा उसी पर अपना ध्यान नहीं देंगे, तो आप तब तक मनी गॉड आपके तो आप तक आपसे खुश रहेगा। नहीं करेंगे तो मनी गॉड एक जेलस गॉड है, और उसको देर नहीं लगेगी आपको छोड़कर चले जाने में। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी फिजिकल डेस्टिनी के कुछ आयाम। अच्छा, इसी के अलावा आपकी एक और भी डेस्टिनी है, और वो है कि आपकी जो पूरा जैसे पूरा समाज की बोल लीजिए, ये सबकी डेस्टिनी कौन हमको ओवरलुक कर रहा है, क्या हमारी कोई मदद कर रहा है। फ्रेंड्स, मदद हमको हर समय में रही है, जीसस का समय हो, नानक का समय हो, कबीर का समय हो, हमेशा एडवांस सोल्स अर्थ पर रही हैं आप हमको गाइडेंस देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये जो आपके जो ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर बार बार आते हैं, हर बार आते हैं, जिनको बहुत लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिली होती है, तो उनको उनकी परतें नहीं चढ़ी होती हैं कि उनको अपनी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस दिखाई ना दे, उनका अपनी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से कनेक्शन रहता है, अपने थिंकर अपने नोअर से कनेक्शन रहता है उनका। तो वो कई बार आते हैं पृथ्वी पर हमको मार्गदर्शन करने हमारा। आप देखिए कि इसमें एक मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, इसी बुक में हमको एग्जांपल दिया है कि कई लोग जो हैं वो कॉन्शियस एजेंट्स हैं डेस्टिनी के, मतलब जानते हैं कि वो डेस्टिनी के हिसाब से कर रहे हैं, और कई लोग अनकॉन्शियस हैं। जैसे आपने किसी की मदद करी, आपने किसी की टांग तोड़ी, आपको पता भी नहीं आपने क्यों किया, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप कॉन्शियस एजेंट्स हैं डेस्टिनी के लॉ के। तो फॉर एग्जांपल, इस बुक में बड़े अच्छे एग्जांपल है, जैसे कि प्रेसिडेंट लिंकन थे, वो जो काम करने आए थे उन्होंने वो आकर काम किया। फिर एक एग्जांपल था नेपोलियन का। फ्रेंड्स, नेपोलियन का एग्जांपल में वो ये बताते हैं कि नेपोलियन की डेस्टिनी में ये था, उसकी थॉट्स और उसकी डेस्टिनी इस तरह से थी कि उसकी डेस्टिनी में था कि वो यूरोप में ये जो पेट्रियार्की है, जो रूल चल रहा था ना, एक राजा का बेटा उसके बाद उसके पिता की गद्दी को ले लेता है, वो उसको हटाना था, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हटानी थी, इस एम से आया था नेपोलियन, और उसने ये काफ़ी हद तक किया। लेकिन उसका ये भी था, उसका सोल प्लान ये भी था कि वो जो है वो उसका अपना खुद का कोई संतान नहीं होगी। ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स, उसकी जो वाइफ थी वो बैरन थी, उसको उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, तो उसको, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी डेस्टिनी से वो हट गए, क्योंकि आपके पास फ्री विल भी तो होती है ना। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया जिसके बच्चे नहीं हो सकते थे, और उन्होंने दूसरी शादी करी, तो उससे क्या हुआ कि अब उनको जो गाइडेंस मिल रही थी, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से जो पूरी उनको गाइडेंस मिल रही थी, जो उनका कनेक्शन था, वो अब हटना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही थी उनके सामने, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। सो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारी जो फिज़िकल डेस्टिनी है ये कई 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 फैक्टर्स से बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप अपना जो देखभाल करते हैं, जो अपने शरीर की, मान लीजिए आँखें बड़ी ख़राब है आपकी, आपने अपनी आँखों को शायद पास्ट लाइफ टाइम में बहुत टैक्स किया था, बहुत ज़्यादा उनसे काम किया था, बहुत उसको रोशनी नहीं दी थी ढंग से पढ़ने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। तो जो आप केयर करते हैं अपनी बॉडी की, अपने सेंसेस की, वो सेंसेस उतनी स्ट्रेंदन हो जाती हैं, उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और दूसरा, आपके थॉट्स से आप अपनी डेस्टिनी को पल पल क्रिएट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल डेस्टिनी को और सुंदर, आज तक तो जो है वो है, लेकिन आगे आप क्या कर रहे हैं, आज से अभी से अपने एक एक थॉट के प्रति सजग हो जाइए, कि कैसी हमको थॉट्स आएंगे, क्या हम सोचेंगे, क्या हम नहीं सोचेंगे। अपनी थॉट्स को फ्रेंड्स वहीं पर फुल स्टॉप लगाइए, जहाँ पर नेगेटिव थॉट शुरू होती है वहीं पर फुल स्टॉप लगाइए। और जैसा कि पत्री सर हमेशा बोलते हैं, मिराक्युलस थिंकिंग कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग मत सोचिए,
मिराक्युलस थिंकिंग कीजिए, जहाँ जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे साइकिक डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।